नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल दिन में। हर बार की तरह इस बार भी हम खेती किसानी से जुड़ी नई योजना और नई स्कीम लेके फिर आपके साथ में हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज मैं फिर एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत लाभप्रिय हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं किस तरीके से मैं आज के वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ। किसान भाइयों, आज हम आपको गेहूं की पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें, क्योंकि वीडियो में ऐसी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो आपकी पैदावार के साथ साथ आपका समय भी बचेगा, खाद भी बचेगा, और जिस तरीके से अगर आपने इस तरीके से अगर गेहूं की खेती की तो आप जल्दी ही बहुत अच्छी खेती करने लगोगे और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो आज की जिन जानकारी मैं पूरा दूंगा कि कब इसको बोना है, बुआई का समय, कौन सी फसल है रबी की फसल, मिट्टी का तैयार व खेत की जुताई कैसे करना है, उन्नत किस्मों के बारे में बताऊँगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा बीज की मात्रा कितनी बनानी है और बीज में अगर कोई रोग लगता है उसका तो उपचार कैसे करना है, बुआई का तरीका क्या है, उर्वरक व खाद प्रबंधक बुआई के समय कितना मिलाना है और कब कब कितने दिन बाद कितना मिलाना है, ये भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सिंचाई कब देनी, पानी कब कब लगाना है, साथ में फसल की कटाई कैसे करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं और मैं बताता हूं कर बुआई का समय आपको कब रखना है। रबी फसल में बुआई का समय 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच रखना है। फसल अवधि इसमें समय लगता है 150 से 160 दिन। मिट्टी को तैयार व खेत की जुताई किस तरीके से करनी है। फसल गेहूँ की फसल बुआई से 15 दिन पहले 1 एकड़ खेत 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर खेत की एक जुताई करके सिंचाई कर दें। इसके बाद खेत की 3 से 4 जुताई के बाद बीज बुआई करके पट्टा फेर दें। इसके बाद मैं जो आपको उन्नत किस्में के बारे में बताना वाला हूं, तो जो आपकी बहुत अच्छी किस्में हैं उनकी जानकारी मैं इस वीडियो में देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं बताता हूं श्रीराम सुपर 111, अवधि होती है इसकी 80 से 85 दिन, और इसमें गुण ये है कि यह 85 दिन की किस्म है। इसके पौधे की लंबाई 107 सेंटीमीटर तक होती है। किस्म ब्राउन रूस्ट की प्रतिरोधी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है श्रीराम सुपर 152, मतलब 152, अवधि इसकी 95 से 97 दिन के बीच में ये तैयार हो जाता है। गुण यह है कि 95 से 97 दिन की किस्म है। इसके पौधे की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, तो ये आसानी से गिरता नहीं है, और जिन खेतों में मतलब गेहूँ सो जाते हैं उन इस तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। अब हम आपको एक नई किस्म के बारे में और बताते हैं, HD 2967 जो उसकी नाम होता है। अवधि 155 से 157 दिन लग जाते हैं इसको तैयार करने में। गुण इसके ये है लंबे कद की किस्म है। इसके पौधे की लंबाई 101 सेंटीमीटर होती है। इसके दाने सुनहरे, मध्यम, सख्त और चमकदार होते हैं। ये लगभग 157 दिन में पक जाती है। ये पत्तों के पीलेपन और भूरेपन से रहित है। इसकी औसत पैदावार 21.5 कुंटल प्रति एकड़ यानी लगभग 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं HD 2851, अवधि इसकी 125 से 130 दिन है। गुण इसमें यह है कि 130 दिन की किस्म है। इसके पौधे की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसके दाने में 11 से 12% प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं HD 3086, पुसा गौतम, अवधि इसकी तैयार हो जाती है 125 से 30 दिन। गुण इसकी यह है कि इस किस्म की औसत पैदावार 23 कुंटल प्रति एकड़ है। ये पीली और भूरी रंग के प्रतिरोधी है। अच्छे किस्म के फरेट बनाने के सभी गुण तत्व इस किस्म में मौजूद है। बीज की मात्रा आपको कितनी जगह में कितना मिलाना है, ये हम आज के वीडियो में हम ये बता देते हैं। गेहूं की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए 36 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार, हाइब्रिड बीज पहले से उपचारित आते हैं, इसकी सीधी बुआई की जा सकती है।
अगर घर को तैयार किया हुआ है या देसी बीज की बुवाई करते हैं तो इससे कार्बोटेनिज 2 ग्राम व थिरम 2 प्रति ग्राम किलोग्राम की बीज के हिसाब से उपचारित करें अपनी गेहूं में। बुवाई का तरीका कैसे करना है आपको बुवाई? तो गेहूं की बुवाई 2 तरीके से होती है, छिटका विधि से और कतारों में। कतार में बुवाई के समय पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पक्ती की दूरी 22 सेंटीमीटर रखें। उर्वरक व खाद प्रबंधक, बुआई के समय आपको कब कब कितना खाद मिलाना है ये जानकारी मैं बताता हूँ। बुआई के समय, फसल बुआई के समय खाद की मात्रा मिट्टी की मात्रा के अनुसार डालें। 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच करवाएं। फसल बुआई के समय 1 एकड़ खेत में 10 किलोग्राम कार्बोफुरान, 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम पोटास, 25 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम जायम का इस्तेमाल करें। बुआई के समय 20 से 25 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम जायम व 3 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें। बुआई के समय 45 से 50 दिन बाद फसल बुआई के 45 से 50 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम जायम प्रयोग करें। बुआई के 60 से 70 दिन बाद फसल बुआई के 60 से 65 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 1 किलोग्राम NPK 19 19 19 को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। सिंचाई आपको किस तरीके से करनी है किसान भाइयों? गेहूं की फसल में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 20 से 25 दिन बाद गेहूं की फसल 20 से 25 दिन पर पहली सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 45 से 50 दिन बाद गेहूं की फसल में 45 से 50 दिन बाद दूसरी सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 60 से 70 दिन बाद गेहूं की फसल में 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 80 से 85 दिन बाद गेहूं की फसल में 80 से 85 दिन बाद चौथी सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 100 से 110 दिन बाद गेहूं की फसल में 100 से 105 दिन बाद पांचवी सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 100 से 120 दिन बाद गेहूं की फसल में 110 से 20 दिन पर छठी सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल की कटाई, गेहूं की फसल की कटाई तब करें जब अनाज पर्याप्त सख्त हो, अनाज के बिखरने का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो आपको किस तरीके का लगा कमेंट जरूर करें। इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो और वीडियो कैसे लगे इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच किसान भाइयों।